मैं ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करता हूं कि रजिया बेगम रेज हैंड की हुई है, इनको अनम्यूट करें प्लीज। अभी एक दूसरा नंबर टू है, नंबर टू को आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं एक रिवर्टेड मुस्लिम हूँ। जी जी मेरे शादी होके अल्हम्दुलिल्लाह 16 इयर्स हो रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जी मेरा सवाल ये है कि अब बेटियों का निकाह कराना माँ बाप का फर्ज है ना, तो अब हमारा प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि हम सेविंग्स कुछ भी नहीं कर सके। अगर खुदा ना खातिर कुछ आगे हम कुछ भी नहीं कर सके तो कुछ गुनाह होता क्या हमारे ऊपर? मीन्स हम क्या करें तो कैसा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, मीन्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे हस्बैंड जो है ना उन्होंने ड्राइवर है, तो हम लोग ओन हाउस नहीं है, हम लोग रेंटेड में रहते हैं, तो घर का रेंट एक्सपेंसेस सब उनकी सैलरी में हो रहा, हम सेविंग्स नहीं कर पा रहे। तो फ्यूचर में आप 3 बेटियां हैं ना, तो उनकी निकाह करना हम पे फर्ज है ना, तो हम कैसा करना वो मीन्स बोल के मेरे को डाउट हो रहा है। ऐसा मीन्स अल्लाह ताला पे ही छोड़ना नहीं, क्या करे तो हम लोग, क्योंकि हलाल का ही खाना है इस्लाम में, अल्लाह ताला कुरान में हुक्म करे, हराम का तो नहीं खा सकते, तो हम क्या करना उस चीज के लिए? क्योंकि हमारे हस्बैंड जहाँ जॉब करते ना वहाँ पे बहुत ड्राइवर्स जो है ना डीजल चोरी कर लेते, हराम में जाते, तो मैं हमारे हस्बैंड को बोलती हूँ नहीं, जो भी आप ला रहे हलाल का लाओ आप, हराम का नहीं, चाहे कोई एक लुकमा क्यों नहीं होना मगर हलाल का होना। बल्कि मैं वैसा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही लेके मैं घर चला रही, तो इन्हों वही बोल रहे हमारे हस्बैंड की ऐसा है तो बच्चों का शादी कैसा कर सकते। तो मैं बोली नहीं अल्लाह पे छोड़ो आप, तो मैं उनको कैसा एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज का, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेशर ले रहे हमारे हस्बैंड। भाई अल्लाह ताला ने कहा वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारेगा अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकाले, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो आप अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह इन बच्चियों की शादी के लिए, इनके मसाइल हल करने के लिए रास्ता निकाल और अपनी पाक और साफ जिंदगी गुजारे, हलाल कमाई के साथ गुजारे। जिसने इस दुनिया में भेजा है वो उसके लिए जरूर रास्ता निकालेगा इंशाल्लाह। आप पूरे तवक्कुल के साथ एतमाद के साथ रहिए, दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला इनके मसाइल तू हल फरमाने वाला है, हम तुझी से तलब करते हैं और किसी दुनिया वाले से हमको जरूरत नहीं है। जी इन्हों हमारे हस्बैंड को मेरे को एक्सप्लेन उनको करना नहीं आ रहा, तो उन्होंने बहुत टेंशन में, क्या हो गया परसों एक्सीडेंट भी होके फ्रैक्चर हो गया उनका लेग, तो बहुत डिप्रेशन में जा रहे उन्हों, बहुत डिप्रेशन बेटियां। मैं बोली नहीं बेटी अल्लाह की रहमत है आप सबर, तो मैं और मेरे को क्लियर उनको एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा मुझे, तो इसलिए आप थोड़ा समझाए तो मैं उनको फोन दूंगी वैसा बोल के। अच्छा भेज देंगे इंशाल्लाह, कुछ बात करेंगे हम उनसे इंशाल्लाह। कहाँ के हैं? जी हम लोग हैदराबाद के है, हैदराबाद। अच्छा। इंडिया है, हैदराबाद के है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हैदराबाद के हम जल्दी गुफ्तगू कर सकते हैं, हैदराबाद में भी लोग हैं जिनसे हम कंसल्ट करने के लिए कह देंगे इंशाल्लाह, वो अच्छे अंदाज में मसला उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।